हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशा, निशा फूड प्लस में आप सबका स्वागत है। आज मैं निशा की रसोई में बनाने जा रही हूँ साई का टुकड़ा। ये रेसिपी बुराई दिल्ली की सबसे फेमस रेसिपी है। ये झटपट आपको 15 मिनट में घर पे बनाकर आपका जब मीठा खाने का मन है तो बनाकर खा सकते हैं। इसे कोई भी बना सकता है और बहुत ही सरल तरीके से मैंने इसे बनाना बताया है। और ये इतनी स्वादिष्ट, इतनी अच्छी मिठाई बनेगी कि आप खाते ही रह जाओगे। इसको इतना ये पसंद आने वाला है। अगर आपको पसंद आए फ्रेंड्स तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर निशा फूड प्लस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले फ्रेंड्स। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, चाय का टुकड़ा बनाने के लिए हमने 8 ब्रेड की स्लाइस ले ली है। ये बड़े वाले ब्रेड हैं, आप कोई भी छोटे बड़े ले सकते हैं। इसके लिए हम अब इधर हम 1 लीटर दूध लिए हैं जिसका हम मावा बनाएंगे। आप झटपट मावा बनाने के लिए भी मैं एक ट्रिक आपको बता देती हूँ। गैस हमने ऑन कर लिया है, दूध गर्म हो गया है। झटपट मावा बनाने के लिए आप 1 से 2 कप दूध लेकर उसमें कस्टर्ड पाउडर या फिर मिल्क पाउडर ऐड कर उसे अच्छे से मिक्स करते हुए चलाते रहिए, जिससे कि दूध लगे ना नीचे। और वो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, आपका मावा रेडी हो जाएगा। ये हम दूध से बना रहे हैं तो इसमें 10 से 15 मिनट लग जाएगा। इधर हम चाशनी के लिए एक सॉस पैन में 1 कप करीब पानी डाल लिए हैं। उसमें हम 1 कटोरी चीनी डालेंगे। स्याही का टुकड़ा थोड़ा मीठा होता है, इसलिए हम इसकी चाशनी 1 तार वाली बनाएंगे। इधर हम चाशनी जब तक हमारी तैयार हो रही है और दूध बॉईल हो रहा है, मतलब तब तक हम ब्रेड को सेक लेते हैं। इधर हमने एक तवा ले लिया है। आप ब्रेड को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मगर हम इतना ऑयली नहीं बनाएंगे। तो इस पर हम थोड़ा सा बस रिफाइंड ऑयल डालकर अच्छे से ब्राउन करके करारा सेक लेंगे प्रेशर की मदद से दबाते हुए। इस पर हमने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अब इस तरह से हम ब्रेड की स्लाइस रखकर अच्छे से इसे हम सेक लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इधर हमारी चाशनी भी अच्छे से खोल गई है। इधर हमारा लास्ट ब्रेड भी अच्छे से सिक गया है। इसे हमें हल्का हल्का ऑयल लगा के बस सेक लेना है। हमें डीप फ्राई नहीं करेंगे, मतलब प्रॉपर हमारा सारा सामान बिल्कुल रेडी होने वाला है। दूध हमारा बिल्कुल गबड़ी जैसा गाढ़ा हो जाए, फिर 2-3 मिनट और लगेंगे, इसके बाद बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। इस दूध मावा चलाने में सिर्फ हमको 7-8 मिनट लगे हैं। इसे गैस का फ्लेम हमने तेज रखकर इसे अच्छे से हमें इस तरह से चलाते हुए चलाते रहिएगा, क्योंकि दूध अगर नीचे से लग जाएगा तो मिठाई जो बनेगी हमारी शाही टुकड़ा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, उसमें खुशबू अच्छी नहीं आएगी। और कलर कितना प्यारा आया है इसका आप देख सकते हैं। और दूध देखिए कितना गाढ़ा हो रहा है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। हमारा बिल्कुल मावा तैयार हो गया है, गाढ़ा हो गया है। अब इसी जगह पे हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि ठंडा होगा तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। अब फ्लेवर के लिए हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे। आप यहाँ पे केसर के धागे भी डाल सकते हैं अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा लगे, और आपके पास है तो आप ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा कलर भी आएगा। ये हमारी रबड़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। इधर हमारी चाशनी भी तैयार हो गई है, अब इसे भी हम बंद कर देंगे। ब्रेड भी हमारी सही सिक गई है। अब हम सारा प्रोसेस आगे का दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ब्रेड की स्लाइस को हम इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए कितना ये करारा हो गया है। इस तरह से किसी भी नाइफ की सहायता से आप इस तरह से कट कर लीजिएगा। आप इसे इस तरह से भी कट कर सकते हैं, इस तरह देखने में थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए हम इस तरह कट कर रहे हैं। इस तरह हम सारी स्लाइसेस को कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने ब्रेड के साइज स्लाइसों को काट लिया है। अब चलिए इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं। फ्रेंड्स, ये जो हमने सीरा बनाया था इसमें हमें 1 तार का चाशनी जो उसमें हमें इस तरह से इसको डिप करना है कि ये पूरा प्रॉपर ब्रेड सोख ले। फिर उसके बाद हम एक ट्रे में जिसपे हमको रखना है इस तरह से हम रखते जाएंगे। इस तरह से अच्छे से हमें डिप कर देना है। फिर इसके बाद हमें एक एक साइज को ऐसे रखते जाना है। चाशनी में डिप करने के बाद हम इसके ऊपर से रबड़ी इस तरह से डाल देंगे अच्छे से, कि हमारी रबड़ी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और सारा फ्लेवर हमारा ब्रेड के अंदर चला जाए। ये मिठाई आप 5 से 10 मिनट में
अच्छे से आप घर पे बना कर जब मीठा खाने का मन है आप बना कर झटपट तैयार कर सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी रबड़ी इस पे डाल ली है। अब इसे आप चाहे टूटी फूटी से चाहे किसी भी ड्राई फ्रूट से इस तरह से गार्निश कर दीजिए, जैसे आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है। नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, आप अपने पसंद से डालिए, चाहे पिस्ता डालिए, चाहे गरी डाल के, चाहे आप टूटी फूटी डालिए इस तरह से। देखिए हमारी मिठाई झटपट बनकर घर पर रेडी हो गई है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे निशा फ्रूट क्रस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ अगर अच्छी लगे वीडियो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।